महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया विनेश जी नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूँ सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, माइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखना मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे, थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। तीन तीन दिग्गज महिला पहलवानों को मात देकर, उनको पटखनी देकर फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनती हैं विनेश फोगाट, जिनकी चर्चा देश में होती है और विदेश भी टकटकी लगाकर देखने लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला पहलवान बनकर उभरती हैं कि एक दिन में तीन तीन दिग्गज महिला पहलवानों को पटखनी दी और फाइनल में अपनी जगह बनाई। विनेश फोगाट को लेकर चर्चाएं खूब थी, लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत की झोली में आएगा और लाने वाली कोई और नहीं विनेश फोगाट होंगी। लेकिन आज खबर आती है कि उन्हें फाइनल से निकाल दिया गया है, उन्हें फिट नहीं पाया गया है, उनका वजन जो है वो बढ़ा हुआ मिला, 100 ग्राम के आसपास उनका वजन बढ़ा मिला और जिसकी वजह से उनको फिट नहीं पाया गया, गेम से उनको निकाल दिया गया है। इससे पहले उन्होंने जितने भी गेम खेले हैं उसमें जितने भी उनको मेडल्स मिलने चाहिए थे वो सब उनको अब नहीं मिलेंगे। जैसे ब्रॉन्ज और सिल्वर उनको मिलना चाहिए था, वो अब उन्हें नहीं मिलेगा और गेम भी वो नहीं खेल पाएंगी, फाइनल भी वो नहीं खेल पाएंगी। इस तरीके की बात को सुनने के बाद पूरा देश स्तब्ध रह गया, पूरा देश हैरान रह गया, परेशान रह गया, क्योंकि वो महिला पहलवान जिससे टकटकी थी, जिससे उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल लाएगी, वो देश के लिए खेल भी नहीं पाएगी। ये एक हैरानी का विषय था जिसको लेकर तमाम देश में तमाम लोग चिंता जाहिर कर रहे थे, संसद में भी उठा चिंता, संसद देश से बाहर थोड़ी है। तो संसद में जब विनेश फोगाट को लेकर चर्चाएं होने लगी तो नगीना से सांसद हैं आजाद अधिकार पार्टी से चंद्रशेखर रावण, वो जब खड़े हुए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, कहते 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 वो ये भी कह गए कि जो महिला विरोधी हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो चुप रहे, वो बिल्कुल भी ना बोले। और वो आगे कहते हैं कि इस तरीके की बात उन्होंने कही, बोले कि जब जब विनेश की चर्चा हो रही थी, विनेश को जब सेमीफाइनल से निकाला गया तो ऐसा लगा कि जैसे दिल पर चाकू चल गया है। इस तरीके की बात कहते हुए चंद्रशेखर रावण बहुत कुछ कहते हैं और कहते हैं कि आखिर रातों रात वजन कैसे बढ़ गया, इसका जवाब मिलना चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वजन बढ़ गया, ऐसे ही थोड़ी वजन बढ़ा होगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही और पूछा कि हरियाणा का बजट आपने क्यों काटा, जब हरियाणा सबसे ज्यादा खिलाड़ी देता है, जब हरियाणा देश के लिए खिलाड़ी देने वाला एक ऐसा राज्य है जो मेडल्स ले आता है, उसके बाद भी खेल मंत्रालय उसका बजट में उसका उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो फंड मिलना चाहिए, वो काट देता है, आखिर ऐसा क्यों। इस तरीके की बात चंद्रशेखर रावण संसद में पूछते नजर आते हैं और बोलते हुए आखिरी वक्त इतना गुस्से में रहते हैं कि कहते हैं जो महिला विरोधी हैं वो तो कम से कम ना ही बोले। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि चंद्रशेखर रावण उस समय भी महिला पहलवान के साथ थे जब वो संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी। आप सभी को पता होगा कि करीब 100 दिन के आसपास देश की महिला पहलवान देश के
देश में विद्रोह करने उतरी थी, देश में जो है वो नाराज हो गई थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर महिला के अत्याचारों का आरोप लगाया था। ये बताया था कि कैसे कुश्ती संघ जो है वो तमाम तरीके की गलतियां कर रहा है और महिलाओं का शोषण कर रहा है। इसमें सिर्फ विनेश फोगाट नहीं थी, साक्षी मलिक थी, ब्रजंग पुनिया थे और भी बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी थे जो हमारे देश के लिए मेडल ला चुके हैं। और बोलते 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 वो लोग 100 दिन तक बोलते रहे लेकिन सुनने वाले सुनने के लिए आए तक नहीं। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत भी लिखा, बहुत कुछ हुआ लेकिन वो आए नहीं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर रावण उन महिला पहलवानों के बीच गए थे और उन्होंने वो पीड़ा, वो कष्ट, वो दुख सब कुछ देखा था, सुना था। और यही बात चंद्रशेखर रावण संसद में बताते भी हैं कि मैं गया था उस प्रोटेस्ट में, मैंने देखा था वो प्रोटेस्ट, मैं जानता हूँ वो प्रोटेस्ट किस तरीके का रहा है और मैंने ये जानता हूँ कि कितनी दुख, कितना पीड़ा, कितना कष्ट रहने के बाद ये पहलवान वहां तक पहुंची थी और आखिर 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ा, किन परिस्थितियों में बढ़ा, क्या ये कोई साजिश है, इस तरीके की बात चंद्रशेखर रावण कहते नजर आते हैं। और पूछते हैं कि हरियाणा का बजट क्यों काटा गया, आखिर क्या कारण थे कि हरियाणा का बजट जो है वो काटा गया। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो विनेश है वो सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं है, वो हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, इस तरीके की बात कहते हैं। विनेश फोगाट को एक तरफा और एक पक्ष में देखा ही नहीं जा सकता, वो भारत के लिए खेलने गई थी, वो भारत की बिटिया है, वो हरियाणा की बिटिया नहीं है। यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि विनेश फोगाट देश का नेतृत्व कर रही है, वो देश की बिटिया है, देश का नाम रोशन करने गई थी, उनको हरियाणा और पंजाब और इस तरीके से बांटा नहीं जा सकता, क्षेत्रवाद या इस आधार पर उन्हें बांटा नहीं जा सकता, वो देश की बिटियां हैं, देश को रिप्रेजेंट करने गई थी। ये बात चंद्रशेखर रावण कहते नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए गोल्ड आ रहा था लेकिन अब नहीं आ पा रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है, कौन है वो और आखिर क्यों रातों रात उनका वजन बढ़ा, इस पर एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा। और आप सभी को पता होगा कि विनेश फोगाट जब जीत रही थी, जब उन्होंने तीन तीन दिग्गज महिला पहलवानों को पटखनी देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तब कहने वाले लोग कह रहे थे, कंगना रनौत जैसे सांसद और महिला कलाकार ये कहती नजर आई थी कि ये मोदी जी के नेतृत्व की वजह से ही संभव है, मोदी जी की वजह से ही संभव है। और इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि देश ने इतना पैसा इनके पीछे लगाया है, देश इतना पैसा लगाई है इस वजह से यहाँ तक पहुँच पाई है, खेल मंत्रालय इतना पैसा लगाया है इसलिए वहाँ पर पहुँच पाया है। इस तरीके की बात कहने वाले लोग ये कह रहे थे कि खिलाड़ी के पीछे इतना पैसा लगता है तब वो वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ ओलंपिक जैसे गेम खेलता है। इस पर चंद्रशेखर रावण ये कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि इतना पैसा लगा है, इसने लगाया है, उसने लगाया है, आपने एहसान किया है क्या, आपने कोई एहसान किया है अगर किसी खिलाड़ी के पीछे पैसा लगाया है तो, ये देश का पैसा है, देश के खिलाड़ी पर लगता ही है, इसमें आपने कोई एहसान नहीं किया है और इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है, इस तरीके की बात चंद्रशेखर रावण कहते नजर आते हैं। तो देश की बिटिया, देश की बहन, देश की वो महिला पहलवान जिसके लिए सारे देश एक टकटकी में उनकी तरफ देख रहा था, सबको उम्मीद थी, आज फाइनल मैच खेला जाना था, आज शाम की मैच पर सभी इंतजार में थे कि इस बार भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल तो पक्का ही आएगा, सिल्वर तक वो खेल भी चुकी थी, सिल्वर वो जीत भी चुकी थी, तो ये उम्मीद थी कि अगर वो हार भी जाती तो कम से कम सिल्वर मिलता, लेकिन गोल्ड तो पक्का ही था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उन्हें फिट नहीं पाया गया है तो उनको गेम से निकाला जाएगा, उनको जिससे पहले जितने भी गेम उन्होंने खेले हैं उसका भी कोई अवार्ड या सिल्ड नहीं मिलेगा, इस तरीके की बात सामने आई है। विनेश फोगाट को इस तरीके से एक्शन लिए जाने पर देश के तमाम लोग जो है वो नाराज हैं, इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि देश में के ओलंपिक गेमों में हम सभी को पता है कि भारत की स्थिति कैसी रही है, इतने ढेर सारी जनसंख्या होने के बाद भी कुछ चुनिंदा लोग ही वहां जा पाते हैं और जाने के बाद भी कभी कभार हमें जो है वो सिल्वर के दर्शन मिल जाते हैं, गोल्ड तो हमारे लिए दूर देश की बात है, दूर गोल्ड जैसी चीज़ें तो हम देख भी नहीं पाते, गोल्ड मेडल हमें मिलता ही नहीं, सिल्वर और ब्रॉन्ज के सहारे हम खुश हो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसी खिलाड़ी के साथ इस तरीके का कोई एक्शन होता है तो इससे देश के तमाम लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कहने वाले लोग ये कह रहे हैं क्योंकि विनेश फोगाट जो है वो 53 किलो 53 केजी के वेट कैटेगरी में हर बार से खेलती आई हैं, उनकी उनका जो बॉडी अगर आप देखेंगे, बॉडी टाइप जो है उसमें आपको कहीं फैट नज़र नहीं आएगा, वो फिट बॉडी है और फिट बॉडी में वजन कम करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और विनेश फोगाट ने काफ़ी मेहनत और दिक्कत परेशानियों के बाद जो है वो वजन कम किया था, 50 के वेट कैटेगरी में वो कैसे भी फिट हो पाई थी। और ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार
मंगलवार के दिन जो उन्होंने गेम खेला था, तीन तीन फाइट की थी, तीन तीन गेम वो जीती थी, उसके बाद रात में ही उनका वजन जो है वो करीब 2 किलो के आसपास जो है वो बढ़ा मिला। और ऐसी बात ये मैं नहीं कह रही है, कुश्ती संघ के लोग बता रहे हैं और जो वहाँ पर उनके डाइटिशियन और जो एक्सरसाइज कराने के लिए जो तमाम सपोर्ट की टीम वहाँ विनेश फोगाट के साथ थी, उनका बताना है कि रात में ही वजन जो है वो उनका बढ़ा मिला। इसके लिए विनेश फोगाट जो है वो रात भर मेहनत करती रही, एक्सरसाइज करती रही, साइकिलिंग करती रही, स्किपिंग करती रही, पूरी रात सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाखून तक काट दिए, बाल तक काट दिए ताकि वजन जो है वो कम हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुबह जो है उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया और इसकी वजह से उनको जो है अनफिट करा दिया गया, उनको गेम से क्विट करने को कहा गया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि रात भर लगातार एक्सरसाइज करने की वजह से विनेश जो है उनको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा, डिहाइड्रेट हो गई, इसकी वजह से जब सुबह वजन कराया गया उसके बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद अभी पेरिस के अस्पताल में वो एडमिट है। बाकी विनेश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि विनेश देश की बिटिया, ऐसी देश की बिटियां हैं जो हर बार हर चीज़ के लिए धुरंधर हैं और हर परिस्थिति में लड़कर आगे बढ़ने वाली हैं। ये माना जाता है कि विनेश ना सिर्फ होशियार हैं, वो दमदार हैं और देश की आन बान शान है। भारत एक नई सोच की पूरी टीम विनेश के लिए हमेशा खड़ी है, उनके मेहनत को सलाम करती है और ये बात जानती है कि वो एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। गोल्ड मेडल उन्हें मिले या ना मिले, सिल्वर उन्हें मिले या ना मिले, ब्रॉन्ज उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो देश की आन बान शान है। वो देश की ऐसी खिलाड़ी हैं जो मुसीबत में सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना भी जानती हैं और मैदान में अपने कंपटीटर को चित करना भी जानती हैं। बाकी विनेश के लिए आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये संयोग है या साजिश, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।